रन चेस विकेट के नुकसान पे। बॉलर है तैयार, एक दफा फिर रग्बी गेंद लेकर आएंगे, शॉर्ट पिच अगेन, हैमर कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, देखो अब चौके के लिए। इस दफा जो है वो अच्छा मिडल किया शब्दील खान ने इस गेंद को, वन बाउंस ओवर द फेंस, एक टप्पा लगने के बाद गेंद बढ़ते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौके के लिए। दो गेंदों के ऊपर दो चौके लगाते हुए प्लेयर शब्दील खान, जहां पर अब 26 हो जाएगा स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के। ब्यूटीफुली प्लेड, नाइस डे टाइम बाय शब्दील खान, जहां पर रन 26 है स्कोर पाकिस्तान का, और अब गेंदबाज ने तैयार अपने बखेरे गेंद लेकर आएंगे छह के ऊपर चलते हुए टीम पाकिस्तान का रन रेट, जिसको मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश होगी टीम पाकिस्तान के लिए। गेंद को कट कर दिया है, गाइड कर दिया है, सबमैन के रीजन में गैप में है गेंद, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा हो जाएगा स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तीन ओवर जो और पांच के खेल होते हुए पूरा स्कोर मुकाबले के अंदर अब बढ़ते हुए 28 टीम पाकिस्तान का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर के बाद एक बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश में है टीम पाकिस्तान, देखना होगा कि वो एक बड़ा स्कोर यहां पर बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे। पाकिस्तान की टीम के अंदर तीन तब्दीलियां की गई हैं, शब्दील खान को टीम के अंदर लाया गया है, सरफराज अहमद को जो है वो दोस्तों टीम के अंदर लाया गया है, एंड उनकी जगह पर एक और प्लेयर को टीम के अंदर लाया गया है जिनका नाम है दोस्तों कह लीजिए कि हसन अली जो है वो टीम के अंदर कम बैक करते हुए, जहां पर ये तीन तब्दीलियां जो है वो हमें टीम पाकिस्तान के अंदर होते हुए दिखाई देंगी, जबकि टीम जिम्बाब्वे की कप्तानी करेंगे दोस्तों शॉन विलियम्स को जो है वो टीम के अंदर वापसी करवाई गई है। देखना होगा कि किस किस्म की वापसी जो है वो शॉन विलियम्स की तरफ से की जाती है, आज की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं वो अपनी टीम की, जहाँ पर अब 28 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जहाँ पर उन्होंने 12 गेंदों का कर रखा है सामना, गेंदबाज है तैयार, राइट आर्म ओवर वाले करेंगे गेंद, जॉन बिकी अगेन पैड पर आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा, और गेंद बढ़ते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और खूबसूरत चौके के लिए। ब्यूटीफुली प्ले टुवर्ड्स लेग साइड, कोई मौका नहीं किसी प्लेयर के पास कि वो इस गेंद को रोक सके, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौके के लिए। चौके के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर रन स्कोर हो जाएगा 32 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जॉन बे पिछले मैच के हीरो हैं टीम जिम्बाब्वे की तरफ से, जिनको पहले ही गेंद के ऊपर चौका लग जाएगा, 32 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर जोर एक गेंद का खेल मुकाबले के अंदर होते हुए पूरा, जहां गेंदबाज हैं तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर एक दफा फिर से आ गेंद, क्या अच्छा गेंद विकेटों में आते हुए गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, हिट कर दिया इस गेंद को मिड ऑन के फील्डर के पास, जहां पर अब स्कोर रहते हुए मुकाबले के अंदर 32 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। के अंदर आउट हुए जॉन बे ने 4 विकेट को अपने नाम किया, सरफराज रिजवान की विकेट को उन्होंने अपने नाम किया, बाबर आजम की विकेट को जो है वो दोस्तों उन्होंने अपने नाम किया। एंड इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं दो आखिरी बैट्समैनों की, तो उनके भी विकेट को जॉन बे ने अपने नाम किया, जहां पर अब देखना होगा कि किस किस्म की जो है वो गेंदबाजी करवाई जाती है जॉन बे की तरफ से। जहां अगली गेंद स्लो रन गेंद, इस गेंद को बैक फुट पर आते हुए गाइड कर दिया है, मैन के रीजन में गैप में है गेंद, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर रब 35 होते हुए स्कोर पाकिस्तान का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो लाइक एंड सब्सक्राइब का बोलते हुए बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब किसी विकेट के नुकसान पे, जॉन बे पिछले मैच के हीरो हैं टीम में, लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। भाई पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या है दोस्त पूछते हुए, तो भाई इस खबर के बाद आपको मैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में भी बता दूंगा कि पाकिस्तान की टीम के अंदर कौन कौन से जो है वो प्लेयर्स शामिल हैं, तो ये भी मैं अब आपको बता दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करिए इस खबर के बाद। 3 दिनों के बाद जो है आपको दोनों टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बता दूंगा, जहां पर रब गेंदबाज ने तैयार राइट आर्म ओवर विकेट द्वारा शुरू किया तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद, क्या अगली गेंद स्लो रन गेंद, इस गेंद को उठा दिया मिड विकेट के रीजन में, हवा में है गेंद, गैप में है गेंद,
बैटिंग पर करेंगे गेंद को कैच और इस तरह टीम पाकिस्तान जाओ दोस्तों विकेट को लूज करते हुए बड़ा धक्का लगेगा टीम पाकिस्तान को। शब्दीन खान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अचानक से वो अपनी विकेट को लूज कर देंगे दोस्तों। यहां पर अब स्कोर रहते हुए 35 टीम पाकिस्तान का। इस विकेट के नुकसान पे 5 रन का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। जर्दील ने 18 रन बनाए 15 गेंदों का सामना किया। अब जहां दोस्तों शब्दीन खान आउट होकर जाएंगे पवेलियन की तरफ वापस जहां पर 35 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे पाकिस्तानी टीम को लगते हुए एक बड़ा धक्का 35 के ऊपर। दोस्त वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दिल से शुक्रिया भाई लोग आपका हमारा साथ देने के लिए। इसके बाद जो प्लेयर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे दोस्तों वो होंगे भला कौन उनके बारे में भी आपको बता देता हूं मैं। शब्दील आउट हो चुके हैं दोस्तों यहां पर। इसके बाद जो प्लेयर आएंगे वो होंगे बाबर आजम फखर जमान एंड इसी तरह दोस्तों मोहम्मद हफीज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। सरफराज अहमद आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। फहीम अशरफ होंगे हसन अली होंगे दोस्तों आते हुए दिखाई देंगे आज के इस मुकाबले के अंदर। एंड इसी तरह दोस्तों उस्मान काजिर होंगे हारिस लोक होंगे मोहम्मद हसनैन तो ये तमाम के तमाम प्लेयर जो है वो हमें टीम पाकिस्तान का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। जहां पर अब 35 स्कोर टीम पाकिस्तान का 1 विकेट के नुकसान पे बाबर जगजीत खान की सूरत में पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों विकेट का लूज कर चुकी है। जॉम्बे की तरफ से बेहतरीन किस्म की बॉलिंग करवाई जा रही है दोस्तों। जहां पर जॉम्बे इस मुकाबले के अंदर आपको बताता चलूं कि पहली विकेट को अपने नाम कर चुके हैं। पहले पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करवाई थी और 4 विकेट को अपने नाम किया था। वो इस सीरीज के सबसे बड़े विकेट टेकर बन चुके हैं दोस्तों। जहां पर अब देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम उनकी स्लो बर्न बॉलिंग को कैसे खेल पाएगी। जहां पर अब स्कोर रहते हुए 35-1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर का खेल जो है वो होते हुए मुकाबले के अंदर पूरा। जहां अगले ओवर की पहली गेंद लेकर बॉल रहेंगे तैयार। 3700 लाइक्स होने वाले हैं वीडियो के ऊपर 2 लाइक्स की मजीद जरूरत है। बाबर आजम को आएगी ये गेंद। बाबर आजम इस गेंद को फ्रंट फुट पर लाकर ड्राइव कर देंगे कवर्स के रीजन में एक और डॉट डिलीवरी। बाबर तो 51 मैचेस के अंदर उनके 2000 रन हो जाएंगे और वो रिकॉर्ड को अपने नाम करेंगे। देखना होगा कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं। जहां पर रब 35 का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर और 1 गेंद के मुकाबले के रन हो जाएंगे और वो बाबर आजम को अपने नाम करेंगे। देखना होगा कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं। जहां पर बाबर आजम 35 का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर और 1 गेंद के मुकाबले के रन हो जाएंगे और बाबर आजम को अपने नाम करेंगे। देखना होगा कि वो इस गेंद को पाएंगे या नहीं। जहां पर बाबर आजम को कमेंट कर दिया कि मैच के रीजन में 5 ओवर के खेल में ये मुकाबला खेला जा जाएगा और बाबर आजम को कमेंट करेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाएंगे। जहां पर बाबर आजम को कमेंट कर दिया कि मैच के रीजन में 5 ओवर के खेल में जहां पर 5 ओवर और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा। रिजवान है दोस्तों स्ट्राइक पर मौजूद 15 गेंदों के ऊपर 17 रन बना रखे हैं मोहम्मद रिजवान ने। सेट हो चुके हैं। देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी होती है रिजवान की ओर से। जहां बॉलर हैं तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट अपने ओवर के लिए गेंद लेकर आएंगे। पैड पर आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया है फाइन लेग के रीजन में गैप में है गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद एक और खूबसूरत चौके के लिए। नाइसली टाइम्ड बहुत ही उमदा अंदाज से खेला गया शॉट जिस खूबसूरती के साथ बल्लेबाज ने इस गेंद को गैप में भेजा वो काबिले दीद था। फाइन लेग के रीजन में गेंद जाते हुए गैप में जहां पर मिलेगा चौका एंड चौके के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए जहां पर अब 40 हो जाएगा स्कोर टीम पाकिस्तान का 1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर और 1 गेंद का खेल 5 ओवर और 3 गेंदों का खेल जो है दोस्तों मुकाबले के अंदर होते हुए पूरा। विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है सो दैट्स वाई आपको बताता चलूं कि ये सेल्फिश बल्लेबाजी आप नहीं बोल सकते इसको क्योंकि बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है इस विकेट के ऊपर। जहां अगली गेंद को बैकफुट पर रहते हुए गाइड कर दिया थर्ड मैन के रीजन में गैप में है गेंद एक और सिंगल का होते हुए इजाफा रिजवान के स्कोर में। जहां सिंगल के साथ वो अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे 41 हो जाएगा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। नगारावा बॉलिंग करवाते हुए दोस्तों मुजरवानी अच्छी बॉलिंग करवाते हुए जॉन्ग भी अच्छी बॉलिंग करवाते हुए लेकिन ब्लेसिंग मुजरवानी की जो है दोस्तों हमें तारीफ करनी होगी। बहुत ही जबरदस्त किस्म की गेंदबाजी करवाई गई इनकी तरफ से। 3700 लाइक्स होने वाले हैं वीडियो के ऊपर 3 लाइक्स की मजीद जरूरत है। अगर आपने नहीं कर रखा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहां अगली गेंद लेकर बॉलर आएंगे गेंद क्या बैकफुट पर रहते हुए गाइड कर दिया इस गेंद को थर्ड रन के रीजन में गैप में है गेंद 1 रन का होते हुए इजाफा। दूसरे के लिए लौटना चाहते थे ये बल्लेबाज लेकिन बनेगी सिंगल बाबर आजम के बल्ले से। एंड बाबर आजम को जो है वो दोस्तों 15 रन की जरूरत है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। आज का ये वाला मुकाबला उनके लिए एक बड़ा मौका होगा। देखना होगा कि वो इस रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ पाएंगे नहीं। जहां 42 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर और 5 गेंदों का खेल मुकाबले के अंदर हो चुका है पूरा। इस ओवर के अंदर जो रन बने हैं उनकी तादाद 7 है। पहली गेंद के ऊपर 7 रन बन चुके हैं इस ओवर के अंदर। जहां पर रिजवान है स्ट्राइक पर मौजूद
बॉलर है तैयार, अभी गेंद लेकर आएंगे, बैक फुट पर रहते हुए स्लिक कर दिया इस गेंद को लेग साइड की तरफ, गैप में है गेंद, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा, एंड सिंगल के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर अब 43 होते हुए स्कोर एक विकेट के नुकसान पे 6 के बाद बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 14 ओवर्स का खेल होना। देखना होगा कि 14 ओवर्स के अंदर यह टीम कितने रन को बना पाएगी, जहां पर अब 43 स्कोर एक विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान की टीम के बारे में दोस्तों आपको बताता चलूं कि उन्होंने टॉस को विन किया और टॉस को जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर 3 तब्दीलियां की गई टीम पाकिस्तान के अंदर। आसिफ अली की जगह पर शब्बीर खान को टीम के अंदर शामिल किया गया, दानिश अजीज की जगह पर जो है वो सरफराज अहमद को टीम के अंदर शामिल किया गया, एंड अरशद इकबाल की जगह पर हसन अली को जो है वो दोस्तों टीम के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये 3 तब्दीलियां जो है वो हमें टीम पाकिस्तान के अंदर होते हुए दिखाई देंगी, जहां पर रब गेंदबाज ने तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, बिल्कुल गाइस अगले ओवर की पहली गेंद लेकर बॉल रहेंगे तैयार। ब्लेसिंग मुजारवानी ने 2 ओवर्स करवाए, 2 ओवर्स के अंदर 9 रन ले रखे हैं, जहां पर रब बॉलिंग करवाने के लिए जो है वो दोस्तों ब्लेसिंग मुजारवानी ने 3 ओवर्स माफ कीजिएगा करवाए, 3 ओवर्स के अंदर अब तक अच्छी गेंदबाजी करवाई हुई है उन्होंने, जहां पर कोई भी विकेट को अपने नाम नहीं किया। बॉलर है तैयार एक दफा फिर अगले ओवर की पहली गेंद लेकर, वेलिंगटन मसाकाब्रा को जो है वो बॉलिंग करवाने के लिए लाया जाएगा। देखना होगा कि किस किस्म की गेंदबाजी जो है वो दोस्तों करवाई जाती है वेलिंगटन मसाकाब्रा की तरफ से, जहां अगली गेंद को गाइड कर दिया थर्ड मैन के रीजन में, रिजवान के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन शॉट फील्डर गेंद के पीछे है और इस गेंद को रोकने की कोशिश फील्डर की, जहां बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास जाकर रोकेंगे इस गेंद को। 2 रन का इजाफा होते हुए 30 के लिए भी वापिस आना चाहते थे मोहम्मद रिजवान, 30 रन भी पूरा कर लेंगे मोहम्मद रिजवान, जहां पर अब बाउंड्री को चेक किया जाएगा कि ये चौका है या नहीं है। 1000 लाइक्स जल्दी से कर दीजिएगा आप तमाम दोस्त वीडियो के ऊपर, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। 1,45,000 सब्सक्राइबर जो है वो दोस्तों पूरे होने वाले हैं। चौके को चेक किया जा रहा है कि ये चौका है या नहीं है, जहां पर अब थर्ड अंपायर के पास जाया गया है दोस्तों, थर्ड अंपायर इस चीज का फैसला करेंगे कि ये चौका है या नहीं है। बहुत ही करीबी मामला चौके का, इस चीज को जो है वो दोस्तों अभी चेक किया जाएगा, जहां पर अब स्कोर रहते हुए मुकाबले के अंदर 44 एक विकेट के नुकसान थे, 6 ओवर्स और 1 गेंद का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। कौसर मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करिए, कोई फायदा नहीं है, अच्छी और बेस्ट विशेज देते हैं, अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा हो उसको गलत जो है वो नहीं बोलते, उसके लिए गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। जहां पर अब चौके को चेक किया जा रहा है दोस्तों कि ये चौका है या नहीं है, चौका जो है वो ना देने का सिग्नल दिया गया है अंपायर की तरफ से। 46 होते हुए स्कोर टीम पाकिस्तान का, 1 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर और 1 गेंद का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। रिजवान ने 26 रन बना रखे हैं, बाबर आजम 2 के स्कोर पर मौजूद, जहां हैमिल्टन मसाकात जापते हैं ओवर की गेंद लेकर आएंगे। गेंद क्या अच्छा गेंद अंदर आती हुई गेंद बल्ले क्या इन साइड एज देने के बाद जाएगी ये गेंद लेग साइड की तरफ, गैप में है गेंद, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा, एंड सिंगल के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 47 हो जाएगा स्कोर टीम पाकिस्तान का। बाबर आजम को अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ 14 रन की जरूरत, शब्बीर खान आउट होने वाले वाहिद बैट्समैन है जो दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर आउट हुए, एंड आउट होकर जाएंगे दोस्तों ये कह लीजिए कि पवेलियन की तरफ वापस, जहां पर अगली गेंद फ्रंट फुट पर आकर खेल दिया इस गेंद को कवर की तरफ, एक और डॉट डिलीवरी। यूट्यूब इस चीज की इजाजत देता है औसत, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं राइट होल्डर्स की तो उनकी मर्जी है, यूट्यूब अगर इस चीज की इजाजत देता है तो हम ये काम कर सकते हैं। जहां अगली गेंद पैट्स पर आएगी, स्किन को फ्लिक कर दिया लेग साइड की तरफ, एक रन को पूरा करते हुए बल्लेबाज और दूसरे के लिए भी वापस आ जाएंगे, उम्दा रनिंग बटना विकेट से दोनों प्लेयर्स की तरफ से, और अपनी टीम के स्कोर को ये प्लेयर आगे बढ़ाएंगे। 2 रन के साथ अब 49 हो जाएगा स्कोर टीम पाकिस्तान का, 1 विकेट के नुकसान पे, 6 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा। तो रोजा है क्या जी, बिल्कुल भाई 49 है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे, जहां पर अब 2 रन का इजाफा हुआ सर रिजवान के स्कोर में, और 2 रन के साथ वो अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। जहां पर अब बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए गेंद लेकर, रिजवान ने 28 रन बना रखे हैं, अच्छे सेट हो चुके हैं दोस्तों रिजवान, देखना होगा कि अपनी टीम की तरफ से मजीद किस किस्म की जो है वो बल्लेबाजी करते हैं। जहां अगली गेंद को बैकफुट पर रहते हुए कट किया है और भेज दिया इस गेंद को पॉइंट की तरफ, बाबर आजम नीड ओनली 14 रन टू कंप्लीट हिज टारगेट। ये बिल्कुल दोस्तों देखना होगा कि यहां पर बाबर आजम जो है वो किस किस्म की बल्लेबाजी करते हैं। जहां अगली गेंद को ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ के रीजन में, बढ़िया फील्डिंग एफर्ट यहां पर शॉट एक्स्ट्रा कवर की फील्डर की तरफ से जो करेंगे इस गेंद को फील्ड। स्कोर होते हुए मुकाबले के अंदर अब 49 एक विकेट के नुकसान पे। मारा मलिक ने हमें ज्वाइन कर रखा, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम, एंड जो भी दोस्त यहाँ कहीं से मौजूद हैं वेलकम एवरीवन टू दिस लाइव स्ट्रीम, जहां पर अब बचा हुआ है दोस्तों 13 ओवर्स का खेल होना, और देखना होगा कि 13 ओवर्स के अंदर ये टीम कितने रन को बनाती है। 4000 लाइक्स होने वाले हैं वीडियो के ऊपर, 4 लाइक्स की हमें मजीद जरूरत है, अगर आपने नहीं कर रखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को जो है वो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए।
49 है स्कोर टीम पाकिस्तान का एक विकेट के नुकसान पे, जहां पर अब 7 ओवर्स का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा 1,45,000 दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दिल से शुक्रिया भाई लोग आपका, ये रिकॉर्ड जो है वो पीजे के हमारा बनवाने के लिए शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी मैच के अंदर हमारे 1,50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। जी पतक भाई बिल्कुल ठीक बोला आपने, अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो रखना चाहिए और कह दीजिए कि यहाँ पर हमारे साथ रहकर आप इंजॉय करिएगा। 49 है स्कोर टीम पाकिस्तान का एक विकेट के नुकसान पे, 7 ओवर का खेल मुकाबले के अंदर भी चलते हुए जहाँ रिजवान ने 28 रन बना रखे हैं 23 गेंदों का किया सामना, बाबर आजम ने 3 रन बना रखे हैं 4 गेंदों का सामना करते हुए जहाँ अगली गेंद रन बुल की गेंद इस गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले के साथ डिफेंड कर दिया है वापस बॉलर के पास, गैप में निकालना चाहते थे बल्लेबाज इस गेंद को लेकिन रही है नाकाम, जहां पर रन स्कोर रहते हुए मुकाबले के अंदर 49 टीम पाकिस्तान का एक विकेट के नुकसान पे, 7 ओवर और एक गेंद का खेल मुकाबले के अंदर होते हुए पूरा। रियान गुर ने जो है वो 25 मैचेस के अंदर 15 विकेट अपने नाम कर रखा है, जहां अगली गेंद बड़ा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गैप में है गेंद बाबर आजम के बल्ले से सिंगल का होते हुए इजाफा, दूसरे के लिए वापिस आना चाहते थे बाबर आजम लेकिन बनेगी सिंगल एंड सिंगल के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे जहां पर अब 50 हो जाएगा स्कोर। तालियां होनी चाहिए टीम पाकिस्तान के लिए जहां पर उन्होंने आपको बताना चलो कि अपने 50 रन को पूरा कर दिया है। कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि रिजवान सेल्फिश बैटिंग कर रहे हैं, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिजवान जो है वो पिच को समझ कर खेल रहे हैं, पिच के ऊपर बल्लेबाजी करना मुश्किल है, सो दैट्स व्हाई रिजवान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। जहां पर अगली गेंद गैप में है गेंद सिंगल का होते हुए इजाफा, ओवर थ्रो की सूरत में एक और रन को पूरा कर देंगे ये दोनों बल्लेबाज, सिंगल तो बनी ही थी लेकिन दूसरे के लिए भी वापिस आ जाएंगे क्योंकि थ्रो जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी एंड 2 रन के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे जहां पर रब स्कोर रहते हुए 51 टीम पाकिस्तान का एक विकेट के नुकसान पे, दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बाबर आजम की, तो बाबर आजम को जो है वह 13 रन की जरूरत है रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, देखना होगा कि बाबर आजम आज ये रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल दोस्तों बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ 13 रन की दूरी पर हैं जहां पर अब गेंदबाज ने तैयार अपनी अकेली गेंद लेकर एक दफा फिर से आया गेंद क्या बैकफुट पर रहते हुए कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट के रीजन में, पॉइंट की पोजीशन पर फील्डर रहेंगे मौजूद जो करेंगे इस गेंद को फील्ड एंड नाउ द स्कोर इज 53 ऑन द लॉस्ट ऑफ 1।